आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो बच्चों, तो हमें प्रश्न दिया गया है कि वृत्ताकार क्यारी की परिधि 5% कम कर दी गई, उसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत कम हो जाएगा, ये हमें याद करना है। ठीक है, तो बच्चों देखो, यहाँ पर बच्चों देखो, वृत्त की परिधि क्या होता है, तो वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है, तो 2 × π r। तो बच्चों देखो, यहाँ पर 2 और π क्या है, अचर है। ठीक है, तो वृत्त की परिधि पर कमी या बढ़ोतरी करना किस पर निर्भर करता है, तो r पर, अर्थात त्रिज्या पर। ठीक है, तो बच्चों देखो, यहाँ पर ये त्रिज्या पर ही क्या हो रहा है, कमी हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ से बच्चों देखो, यहाँ पर हम वृत्त की त्रिज्या और यहाँ पर हम क्षेत्रफल की बात करते हैं। ठीक है, तो बच्चों देखो, यहाँ पर ये पहले की कंडीशन है और ये अब की कंडीशन। तो बच्चों देखो, यहाँ पर 5% कम कर दिया गया। ठीक है, तो 5%, तो बच्चों देखो, 5% को हम भिन्न में परिवर्तन करेंगे तो ये होता है 1/20। ठीक है बच्चों देखो, यहाँ पर वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है यहाँ पर π r² बच्चों देखो, यहाँ पर वृत्त के क्षेत्रफल में कमी या बढ़ोतरी किस पर डिपेंड करेगा, किस पर निर्भर करेगा, तो बच्चों देखो, यहाँ पर पाई क्या है, अचर है। ठीक है, तो बच्चों देखो, किस पर डिपेंड करेगा, किस पर निर्भर करेगा, तो त्रिज्या के वर्ग पर। ठीक है, तो यहाँ पर हम त्रिज्या का वर्ग ही लेंगे। ठीक है, यहाँ पर ये त्रिज्या। तो बच्चों देखो, यहाँ से 5% कम कर दी गई, अर्थात पहले यदि 20 इकाई थी। ठीक है, तो बच्चों देखो, यहाँ पर एक की कमी हो जाएगी, क्योंकि 5% कम कर दिया गया, तो 20 में 1 घटाएंगे तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, 19। अब बच्चों देखो, यहाँ पर हम क्षेत्रफल की बात करें, तो क्षेत्रफल में बच्चों पाई क्या है, अचर है, तो यह r के वर्ग पर निर्भर करेगा, तो यहाँ पर हम r का वर्ग याद करते हैं, तो 20 का वर्ग क्या होगा, तो 400। ठीक है, अब बच्चों देखो, 19 का वर्ग क्या होगा, तो 361। ठीक है, 361। बच्चों देखो, यहाँ पर कितने की कमी हो रही है, तो बच्चों देखो, यहाँ पर 10 में 1 घटाएंगे तो 9, बच्चों देखो 9 में 6 घटाएंगे तो 3। ठीक है, 3 में 3 घटाएंगे 0, तो 39 की क्या हो रही है, कमी हो रही है। ठीक है, तो बच्चों देखो, यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर माइनस अर्थात कमी हो रही है, तो हम यहाँ पर कमी प्रतिशत क्या करना है। ठीक है, तो कमी प्रतिशत बराबर क्या होगा, तो कितने की कमी, तो 39 की कमी किस पे, तो 400 पे, तो 100 पे कितना होगा, तो बच्चों देखो, यहाँ पे 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएंगे। ठीक है बच्चों देखो, यहाँ पर 4 से हम विभाजित करते हैं, तो यहाँ पर बच्चों देखो 4 × 9 = 36। ठीक है, 4 × 9 = 36, यहाँ पर कितने बच गए, तो 3, तो बच्चों देखो, यहाँ पर दशमलव लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 30। अब बच्चों देखो, यहाँ पर 4 × 7 कितना हो जाएगा, 28। ठीक है, अब कितना बच गया, 2, तो दशमलव लगा है, तो यहाँ पर कितने हो गए, 20, तो 4 × 5 = 20, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो गया 9.75% की क्या हो रही है, कमी हो रही है। ठीक है, तो बच्चों देखो, यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा दिए गए प्रश्न का उत्तर। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।